भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। लॉकडाउन के चलते रोज कमाने और खाने वाले परिवार भी काफी परेशान है। पिछले साल कई संस्था ने ऐसे बेसहारा और गरीब परिवार की भुसावल शहर में मदद की थी, पर अब ऐसे परिवार को कौन देखेगा। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो पास में है उसी से गुजारा करना पड़ रहा है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर हर साल की तरह इस साल भी महिला शक्ति समाज सेवा महिला मंडल भुसावल के अध्यक्ष एडवोकेट और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर अंजुम खान ने भुसावल शहर में 5,000 घर तक राशन पहुंचाया। वहीं अंजुम खान ने बताया है कि वो ये कार्य कई सालों से कर रही हैं, पर अभी तक किसी भी माध्यम से लोगों को नहीं बताया। इस बार उनका उद्देश्य था कि वो 3,000 परिवार तक राशन पहुंचाएंगी, पर लोगों को जैसे मालूम पड़ता गया वैसे और 2,000 परिवार बढ़ गए। तभी उन्होंने चाहा कि ये खबर मीडिया के जरिए बताई जाए ताकि जो जरूरतमंद बचे हुए हैं उन तक वो और राशन पहुंचा सके। देखिए क्या कहा अंजुम खान ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। महिला शक्ति समाज सेवा महिला मंडल की अध्यक्ष अंजुम खान, मैं आप सभी को रमज़ान मुबारक की पहले शुभेच्छा देती हूँ और इस बारे में बताना चाहूँगी कि हर रमज़ान में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी मुसलमान भाई है उनकी हम मदद करें, जो बहन है हमारी जो परेशान हाल है उनकी मदद करें। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई धर्म भेदभाव छोटा बड़ा ऊंच नीच ऐसा कोई भी चीज़ों को हमने महत्व नहीं दिया। हमने सिर्फ ये सोचा कि हमेशा मदद करनी चाहिए, वो भी कोई भी हो, इंसान तो इंसान है। इस साल हम लोग कभी फ़ोटो नहीं खींचेंगे, कभी कोई व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे, कभी फेसबुक पे नहीं डालेंगे। इस साल हम लोग ने इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी समझा क्योंकि इससे लोगों को पता लगा है कि भाई यहाँ कुछ कोशिश हो रही है, इनके तरफ से कुछ कोशिश है। और जो भी इस कोरोना काल में तो सभी को ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि सरकार के ऊपर दोष देकर बस बैठे रहेंगे, तो हमने थोड़ी सी पहल की, कोशिश की कि मदद की जाए। तो हमने टारगेट किया था 5,000 घर का, हमारे 3,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मुस्लिम कॉलोनी हो गया है, ईदगाह हो गया है, राहुल नगर हो गया है, अंबेडकर नगर हो गया है, DS ग्राउंड के सामने पीछे जो पुलिस वसाहत के पीछे जो घर है वो हो गए हैं, और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे इलाके जो है, साकरी गए थे हम लोग, साकरी में भी हम लोग ने एक छोटा सा मदद का वहाँ रखा। लोगों ने जैसे बताया कि भाई हमें यहाँ ज़रूरत है, आप आओ इधर, तो हम वहाँ भी गए थे। ऐसा करके हम लोगों ने मदद करने की जो जो कोशिश की। तो मेरी ये सभी से इल्तिजा है कि ये ना सोचे कि मैं क्यों जाऊँ, वो मुझे बताना चाहिए। तो इस कोरोना काल में खुद भी सेफ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखें, साथ साथ में आप दूसरों की मदद भी करें। अगर आप मदद के लिए पहला हाथ बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपको देखकर शायद किसी के मन में भी वो ख्याल आए और वो भी मदद के लिए आगे बढ़े। नहीं तो अगर हम सभी डरते ही रहेंगे तो मदद के लिए कौन आएगा। सरकार तो करेगी करेगी, लेकिन सरकार आने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं ना, हमें ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हमने जो हमारी छोटी सी पहल कोशिश की थी, अल्लाह का रसूल इस चीज़ के लिए हमसे राज़ी हो जाए। और जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखा हो तो आई एम वेरी सॉरी। सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।